आपकी श्री आदिनाथ का अतिशय बड़ा ही भारी इनकी प्रतिमा है मनोहारी। कुंडलगिरी पर्वत प्यारा जिस पर्वत पर प्रभु साजे 1500 वर्षों से सुंदर पवन में स्वयं विराजे। श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, शान बड़े बाबा मेरे, धर्म की शान बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। शस्त्रशाल ने पुण्य कमाया, शस्त्रशाल ने पुण्य कमाया, नमो नमो शस्त्रेश्वरा। मंदिर जीर्णोद्धार कराया, मंदिर जीर्णोद्धार कराया, खुले हृदय से दान बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे। पंद्रह फुट की प्रतिमा साजे, पंद्रह फुट की प्रतिमा साजे, नमो नमो पद्मेश्वरा। पद्मासन प्रभु स्वयं विराजे, पद्मासन प्रभु स्वयं विराजे, प्रतिमा में प्रतिष्ठित प्राण बड़े बाबा मेरे, प्रतिमा में प्रतिष्ठित प्राण बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। कीर्ति परम भट्टारक, सुंदर कीर्ति परम भट्टारक, नमो नमो परमेश्वराय। दे गए हमको ये स्मारक, दे गए हमको ये स्मारक, चौमासे का ये अनुदान बड़े बाबा मेरे, चौमासे का ये अनुदान बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, भगवान बड़े बाबा मेरे। आचार्यों को लगती भली ये, आचार्यों को लगती भली ये, नमो लो सब विद्या सागर की तपोस्थली, विद्या सागर की तपोस्थली, अति
अतिशय बड़ा महान बड़े बाबा मेरे दीनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे प्रभु के चरण बिछू ना पाया प्रभु के चरण बिछू ना पाया अंगूठे पे जिसके निशान बड़े बाबा मेरे अंगूठे पे जिसके निशान बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे प्रतिमा से निकली दूध की धारा प्रतिमा से निकली दूध की धारा उत्सर्ग हारी रमो सुबे मधुमक्खियों ने उत्सर्ग टारा मधुमक्खियों ने उत्सर्ग टारा यवनों का दल हैरान बड़े बाबा मेरे यवनों का दल हैरान बड़े बाबा मेरे आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे ये बुंदेलखंड की धरती ये बुंदेलखंड की धरती भारत खंडे सदियों से पक्षालन करती सदियों से पक्षालन करती गंधोदक कल्याण बड़े बाबा मेरे गंधोदक कल्याण बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे कलशा चांदी की धारी सोने का कलशा चांदी की धारी चंदन चर्चित नमोस्तुते हुई अभिषेक की फिर तैयारी हुई अभिषेक की फिर तैयारी कलश यहाँ पुनवान बड़े बाबा मेरे कलश यहाँ पुनवान बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे चलो राजेंद्र बुलावा आया चलो राजेंद्र बुलावा आया जय देवा चित नमो को कैसा प्रमाण बड़े बाबा मेरे को कैसा प्रमाण बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे जगदीश की पहचान बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे।
हेलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मोल। चलिए सभी लोग, आज अपनी आईडी, नई आईडी शुरू हुई है, वो आईडी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये नई आईडी है। जब तक वो आईडी ठीक नहीं हो जाती तब तक हमारी यही आईडी प्रतिदिन स्टार्ट रहेगी। सभी लोग जिनको आईडी नहीं मिल पा रही, प्लीज उनके उन तक पहुंचा देवें। रेखा जी को लगा चलिए शुरू करते हैं। अनमोल हो गई तैयारी? हाँ। चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय जय जय।
बहुत से लोगों को आईडी मिल नहीं पाई है, तो सभी लोग अपने अपने रिलेटिव्स को भी वो आईडी भेज दें ताकि वो सभी लोगों के पास पहुंच जाए। पुरानी आईडी में कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण नई आईडी हम लोगों ने लिया है, और अभी जब तक वो पुरानी आईडी ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि उसमें एक साल तक लगभग जूम चला और बहुत लंबे लंबे स्लॉट उसमें लिए गए, तो क्लाउड में ओवरलोड होने के कारण हो सकता है वो उन्होंने बंद किया हो, इसलिए कल से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो कल हमने नई आईडी लिया है। सभी लोग आज भी और कल भी अपने अपने रिलेटिव को, अपने अपने फ्रेंड सर्कल में ये आईडी को पहुंचा दें। भी बहुत फोन आ रहे हैं तो बीच बीच में डिस्टरबेंस भी होता है। सभी लोग ध्यान रखें, आईडी सब जगह भिजवा दें। और अब अपने पास ये दो आईडी नोट करके रखें, एक तो पुरानी आईडी है ही आपके पास और एक ए वाली आईडी। पहले ए आईडी लगा लीजिए, नहीं तो पुरानी आईडी यदि चालू होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, जबलो आदिनाथ भगवान की जय। आज हमारे भक्तांबर जी के अनुष्ठान का 333वां दिन, कल का हम फिर आज रिपीट करने वाले हैं। 333वां दिन 333, एक वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, और हम जो प्रतिदिन एक एक श्लोक का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो कल जो श्लोक का अनुष्ठान हुआ था आज उसको रिपीट करेंगे। तो उस श्लोक का 28वां दिन है, और हम आज करने जाएंगे 28 नंबर श्लोक के अनुष्ठान। 28 नंबर श्लोक का अनुष्ठान करेंगे 28वें दिन, और टोटल दिन 333, 333 दिन हो गए हैं। सभी लोग कल्पना करिए कि आप उन जिन मंदिर में चले गए हैं जहाँ पे आप प्रतिदिन जाते हैं, दर्शन इत्यादि के उपरांत शांति धारा अभिषेक पूजन इत्यादि शुरू है, और आप भी उसमें सम्मिलित हो गए। मंत्रों की गूंज आपके कानों तक आ रही है, आप साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से अपने आप को एनर्जाइज करिए, शरीर के एक एक भाग के एक एक सेल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करिए, एक एक पार्ट के एक एक सेल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, और पूर्ण समर्पण के साथ हम नित्य की भांति आज की शुरुआत भी अभिषेक और शांति धारा से करेंगे। सभी लोग एकाग्रता के साथ बैठ जाइए, एक घंटे के लिए क्वारंटाइन हो जाइए, सभी चीजों का त्याग, कुछ नहीं लेना है, मन को शून्य की अवस्था में लेके जाइए, थॉटलेस, निर्विकल्प कर दीजिए मन को, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, आप और आपके सामने भगवान जी की प्रतिमा, प्रभु की प्रतिमा और आप, इसके अलावा कुछ नहीं। और शांति की धारा, मंत्रों की गूंज, आप पूरे अपने आप को देखिए कि आप सिद्धालय में बैठे हुए हैं, आसपास का वातावरण वाइट सफेद होते जा रहा है, आपकी बॉडी भी वाइट होते जा रही है सिद्धों के समान। आप कल्पना करते जाइए और पूर्ण समर्पण और पूर्ण एकाग्रता संधारा करिए। अगले 24 घंटे और आने वाले दिनों के लिए
अपने आप को एनर्जाइज करिए, हेलो, हाँ लिंक आपको मिल गया, स्टार्ट कर रही है ना, वन फाइव, ठीक है, ये हमेशा चलेगी। आप चलिए, चलो शांतिनाथ भगवान की जय। द्रव्य अनल्प घन चतुरा समादय रामो दुभाषित समत दिगंत रालय मिश्री कृतेन पैतादिन पुंगवानम त्रैलोक पावन महम स्मरणम करोमि। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपालसंतं विद्वादि महावीर पर्यंतं चतुर्विंशति शंकर परम देवम् आद्यनामादे जम्बूदीपे वरच्छेत्रे यारकंडी भारत देशे महाराज प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चैत्यालय मध्ये चैत मासे कृष्ण पक्षे तिथि दशम्याम दिन भौम बासरे मुनि आरिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्मचायार्थम सुगंधि जल से करोमि नमः। दुरावन मृतुरनाथ किरीट कोटि शलाग्न रत्न किरणाच विभूत राग्निम प्रद्वेद ताप मल मोक्त मपीर प्रकष्टैर भक्त्या जलै जिन पतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपालसंतं विद्वादि महावीर पर्यंतं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम् आद्यनामादे जम्बूदीपे वरच्छेत्रे यारकंडे भारत देशे महाराज प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चैत्यालय मध्ये चैत मासे कृष्ण पक्षे तिथि दशम्याम दिन गुरुवासरे दिन भौम बासरे मुनि आरिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्मचायात्म सुगंधे जल से करोमि नमः। इष्टे मनोरथ सतैर्विभव्य पुंसा पुणै सुवर्ण कलशैनिकलावसानम् संसार सागर विलंगन हेतु सेतु मप्लाभये त्रभुनेक पदें निनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपालसंतं विद्वादि महावीर पर्यंतं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम् आद्यनामादे जम्बूदीपे वरच्छेत्रे यारकंडे भारत देशे महाराज प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चैत्यालय मध्ये चैत मासे कृष्ण पक्षे तिथि दशम्याम दिन भौम बासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायातम सुगंधि जलक्षे करोमि नमः नमः। अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई
चरु तुदीप तो दो पल अर्घ लई धबल मांगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ मम यजे जिन ग्रहे जिन अभिषेक मम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते चतुष्कल जलाभिषेक करोमि अनर्घ पद प्राप्ताये अर्घम नृपामिति स्वाहा स्वाहा। लघु शांति धारा। हाँ आज ट्यूसडे है, भौम बासरे मतलब मंगलवार ही होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाये नमः। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते श्री पार्थी तंग्राये द्वादश गण परवेष्टाये शुक्ल ध्यान पवित्राये सर्वज्ञाये स्वयंभुवे सिद्धाये बुद्धाये परमात्मने परम सुखाये त्रिलोक मही व्याप्ताये अनंत संसार चक्र परिमर्दनाये अनंत दर्शनाये अनंत ज्ञानाये अनंत वीर्याये अनंत सुखाये त्रिलोक मही व्याप्ताये अनंत संसार चक्र परिमर्दनाये अनंत दर्शनाये अनंत ज्ञानाये अनंत सुखाये अनंत वीर्याये सत्य ज्ञानाये सत्य ब्राह्मणे धनेन्द्रणा मंडल मंडिताये ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाये घाति कर्म विनाशनाये अघाति कर्म विनाशनाये अपाया मृत्यु चिंचिंदे बिनबिंदे। मृदुला जी बोलेंगी, मृदुला जी बोलेंगी, अनम्यूट कर लीजिए। अपायम मृत्यु चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे अतिकामम रतिकामम चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे क्रोधम अग्नि चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्व शत्रु सर्वोत्सर्गम चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्विघ्न सर्वभय चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वराज्यमय सर्वचोरमय चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वदुष्टमय सर्वमृगमय चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वात्म चक्रमय सर्वपरमंत्र चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वशूल रोग सर्वक्षय रोग चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे कुष्ठ रोग सर्व क्रूर रोग चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्व नरमारी सर्व गजमारी चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वोष्मारी सर्व गोमारी चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्व महिषमारी सर्व धान्यमारी चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वृक्षमारी सर्वगुलमारी चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वेतालताग्निमयम् सर्वेदनीयम् चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वमोहिनीयम् सर्वकर्माष्टकम् चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदना कुरु कुरु सर्वभव्यानंदना कुरु कुरु
सर्व गोकुलानंद नाम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेत खरवट मटबन पत्तन द्रोणा मुख सम्मानंद नाम कुरु कुरु सर्व लोकानंद नाम कुरु कुरु सर्व देशानंद नाम कुरु कुरु सर्व यजमानंद नाम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम् अभयम् क्षेममारोग्यम् स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते नमस्तु कुल गोत्र धन दांत दास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु बातपूज मल्ली वरदान पुष्पदान शीतल मुनशव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो जिनेभ्यो नमः अस्माकं श्रीमती धन्यवाद 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 श्रीमती शोभा सुरेश प्रोदिया अहमदनगर इनका जन्मदिन है इन्होंने भावना भाई है इनके नाम पे संध्या कराई जाए शोभा सुरेश प्रोदिया अहमदनगर इनका जन्मदिन है और इनके नाम से हम संध्या कर रहे हैं आज इसी के साथ शिल्पी जी जैन जयपुर सुनील जैन किंसुक जैन नक्षत्र जैन और हमारी ममता जी पारिक भोपाल शशि जी वेद कोलकाता पुष्पा जी लुनावत सूरज जी गिरिया पुष्पा जी कटारिया प्रकाश जी कटारिया अनंत गोयल सक्षम जैन कोलकाता सुनीता जी मेहता कोलकाता राकेश भंडारी इनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा नरम गरम है तो राकेश जी भंडारी प्रकाश जी भंडारी के सुपुत्र हैं और उनकी मिसेज कंचन जी भंडारी उनके भी स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने भावना भाई है प्रकाश जी भंडारी राकेश जी भंडारी और कंचन भंडारी सुरेश कुमार जी मरलेचा पूरा परिवार वर्षा आशीष जी पाटनी और पूरा परिवार अरुण कुमार जी जैन सुनधि जैन अशोक भाई मणिलाल जी साह एंड पूरा परिवार बड़ोदरा अनमोल संतोष जी पाटनी सुपारस भंडारी और उनका पूरा परिवार कांतिलाल उज्ज्वला सम्यक साहिल कासलीवाल बेजापुर वैभव गंगवाल जी चेन्नई मृदुला जी कौशल जी स्नेहा जी मासूम अभिजीत पूना अमृता निकोंज पारक पुणे चंद्रकला जी भंडारी इन्होंने स्वास्थ्य लाभ के लिए भावना भाई है चिंचवाड़ पूना कुसुम जी जालन एवं जालन परिवार कोलकाता रमेश चंद जी आशा जी दिशा जी एंड पूरा परिवार रायपुर सुनीता अनिल करिश्मा सिंघई जबलपुर वैभव गंगवाल चेन्नई इस प्रकार सभी की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शांति धारा में जुड़ी हुई हैं प्रभु की प्रभु से मंगल काम में यही करते हैं कि सभी की भावनाएं पूर्ण हो पुष्पा जी बड़जात्या विजय जी जैन कोपल जैन अक्षय जैन रामपुरा कोटा इसी के साथ हमारे आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी और संतोष जी ललिता जी आर्यन जी सोनल जी शेट्टी एंड शेट्टी परिवार कोलकाता सोनल जी जयसवाल नागपुर नीरज जी जय सिंह जी प्रशांत जी और केतन जी सुराना हैदराबाद हमारे दोनों स्पीकर डॉक्टर मंजू संदीप जैन डॉक्टर अर्चना विनय जैन नागपुर भक्तंबर परिवार और आईवीएस परिवार से जुड़े हुए सभी हीलर्स सैनिक भाई किसान भाई और हमारे संतोष जी अनमोल जी पाटनी बेजापुर सभी पार्टिसिपेंट जो जुड़े हुए हैं जो जुड़ रहे हैं जो जुड़ेंगे या जो जुड़े हुए थे सभी की ओर से हम प्रभु से मंगल भावना बाते हैं कि सबकी मंगल भावनाएं पूर्ण हो प्रभु मंगल भावनाएं जिनकी भी हैं वो सभी पूर्ण हो ऐसी भावनाओं के साथ आज की संध्या करेंगे सभी पूरी एकाग्रता बनाइए श्री शांतिरस्तु।
पुलक सागर जी महाराज जिनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम चल रहा है, 108 श्री पुलक सागर जी महाराज उनके लिए भी हम सब पार्टिसिपेंट भावना भाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो। सरिता जी जैन महासभा वाली अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला महासभा की अध्यक्ष सरिता जी जैन, इनका स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम है, तो इनके लिए भी हम भावना भाते हैं प्रभु से कि सबकी भावनाएं पूर्ण हो। संध्या जी जैन सागर वाली, इनके स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रभु से मंगल भावना भाते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले और ये स्वस्थ होके हमारे सेशन में आए। और इन्हीं सब भावनाओं के साथ अंकल जी ऋषभ जी काले भुक्ते स्वस्थ लाभ देतु, ऋषभ जी काले भुक्ते स्वस्थ लाभ देतु परिवार, ऋषभ जी काले भुक्ते स्वस्थ लाभ के लिए इन्होंने भावना भाई है, जल्द से जल्द इन्हें स्वस्थ लाभ मिले प्रभु। श्री शांति रस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेताम पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन दान सदा संतु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु बातपूज मल्ली परनान पुतनान शीतल मुनिशोभ्रत नैननाथ पार्श्वनाथ देव्यो जिनेभ्यो नमः। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते प्रशिक्षण दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप नाशनाए सर्व विघ्न विनाशनाए सर्व क्षाम नामर विनाशनाए ओम राम रीम रूम रोम रह अस्या उषा अरम नमः। सर्व शांति कुरु कुरु वशट स्वाहा सर्व शांति कुरु कुरु बशत स्वाहा। ओम रीम त्रीम क्लीम अरम अशिया उषा अनाहत विद्याए रमो अरियंतनम रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करो तो शांति भगवन् जिनेन्द्र करो तो शांति भगवन् जिनेन्द्र करो तो शांति भगवन् जिनेन्द्र इति शांति धारा। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदोपल अर्घ्य लई धबल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ मम्य जे जिन ग्रहे जिन अभिषेक मम्य जे जिन ग्रहे जिन शांति धारा मम्य जे। ओम रीम त्रीम क्लीम त्रिभुवन पते शांति धारा उपरांते अनर्घ पद प्राप्ताए अर्घम निर्पामिति स्वाहा अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चौबीसों भगवान का अर्घ बोलेंगे उषा भाभी। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्जिन राय चंद्र पोप शीतल श्रियांश नवी वासु पूज पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्वल
शांति कुंतु अरुमलि मनाय मुनि सोव्रत नमिनेमि पार्श्व प्रभु वर्द माने पद पुष्प चढ़ाय जल फल आठो सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अरे पो भवतार भवतरी मोक्ष वरो चौबीसो श्री जिन चन आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही ओम रीम श्री स्वादि विरांते भ्यो चतुर्विशंति तीर्थंकर भ्यो अनर्घ्य पथ प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। 16 कारण जी का भी अर्घ बोल रही हूँ। जल फल आठो तरव चढ़ाए ध्यान ते व्रत करो मन लाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो दर्श विशुद्धि भावना भाई सोलह तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ओम भीम दर्शन विशुदासी षोडश कारणे भ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। सभी लोग हमने जो मंत्र जल दंडोत्तर अभिषेक नमन शांति धारा के माध्यम से प्राप्त किया है उसका सहारा लेंगे और प्रभु के चरणों से निकले हुए जल से हम पिछले 24 घंटे में हमारे चक्राज में जो मलिनता छा गई है उसे दूर करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि डिपॉजिशन ना हो लेयर के ऊपर लेयर ना चढ़ते जाएं। हम प्रतिदिन क्लीन करने की कोशिश करेंगे और अगले 24 घंटे के लिए संकल्प लेंगे कि हम ऐसे कर्म कम से कम करें जिनसे हमारे चक्राज ब्लॉक हों ऐसे कोई कार्य ना करें। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक निवारणम कर्माष्टक निवारणम कर्माष्टक निवारणम। जब लोग भगवान महावीर स्वामी की जय। जब लोग 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। इस मानसिक स्वस्थता और मानसिक शांति के सेशन के बाद जिसमें हमने सभी भगवान तीर्थंकरों का आह्वान किया उनकी एनर्जी प्राप्त करने की कोशिश की अनुष्ठान की पवित्रता को बढ़ाने की कोशिश की और इस पवित्र अनुष्ठान में अब हम चलते हैं हमारे शारीरिक स्वस्थता के सेशन की ओर। सभी लोग और भी ज्यादा एकाग्रता बनाइए। शरीर स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ आत्मा का कल्याण भी शरीर स्वस्थ रहने के साथ ही हो सकता है। इसलिए सब लोग शारीरिक स्वस्थता के सेशन को भी पूर्ण एकाग्रता के साथ करेंगे। तत्पाद पंकज रजोमृत रिक्त देहा मर्त्या भवन की नखर तुल्य रूपा भूत भीषण जलधर भारत। सभी लोग दर्शन कर लीजिए। ओम नीम अनम श्री पाशनाज निंद्राय नमो नमः। ओम नीम अनम श्री पाशनाज निंद्राय नमो नमः। ओम नीम मनम श्री पाशना जिनेन्द्राय नमो नमः। जब लोग चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। वेजापुर के पाशनाथ भगवान की जय जय जय।
आइए शारीरिक स्वास्थ्य सेशन की ओर चलते हैं डॉक्टर अर्चना जैन के साथ। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए हम दर्शन करेंगे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुणस्थान की शेर करेंगे उड़द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनि आरिका बन के विचरो वन वन करूं विहार रे, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी वो कार दिला दो तुम बैठे जिस कार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए हम चलेंगे हमारे सेशन की ओर जिसका नाम है वाह क्या बात है। इसके ऑर्गेनाइजर्स विनय कुमार जी जैन, शांति धारा हमें नित्य ही करा रहे हैं उसके लिए हम अनुमोदना करेंगे, और अनमोल जी पाटनी एक छोटा सा बच्चा हमें एक साल से जो नित्य ही शांति धारा करा रहे हैं, अनमोल जी पाटनी, नीरज जी सुराणा जी तथा ललिता जी, संतोष जी सेठी सिद्धायतन परिवार के सिद्धायतन परिवार सभी ऑर्गेनाइजर का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हमारे जितने भी फेसबुक के माध्यम से प्रोग्राम को देख रहे हैं और जूम पे जो जुड़े हुए हैं उन सभी की ओर से सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र। ये आईडी अभी सब लोगों तक पहुंची नहीं है, नई आईडी हमारी बनी हुई है। सभी लोग इतना ध्यान रखें कम से कम कि अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल ग्रुप्स और अपने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको ये आईडी आप पहुंचा दीजिए, सबको नई आईडी दे दीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो आईडी शुरू नहीं हो रही है, तो सबसे नम्र निवेदन, क्योंकि आधे ही लोग जुड़े हुए हैं हमारे प्रतिदिन के, आधे लोग ही जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग
विशेष तौर से फोन करके बता दें जो आपने जोड़े हो, जिन लोगों को कम से कम एक ने 10-10 लोगों को तो जोड़ा ही है, तो फोन करके बता दें आप लोग कि भाई ये आईडी चेंज हो गई है, उनको वो आईडी डाल दीजिए। हमने सभी ग्रुप में वो आईडी डाल दी है, इसलिए सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आईडी चेंज होने से लोग जिनवानी सुनने से वंचित ना रह जाए, जिनवानी सुनने से लोग वंचित ना रह जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखें। यदि आप उनको आईडी भेजते और आपके माध्यम से जिनवानी सुनते हैं, आपको छठा भाग पुण्य का जरूर ही प्राप्त होता है। जितने लोगों को जोड़ेंगे उन सबका छठा छठा भाग आपको पुण्य का प्राप्त होगा। एक बार हम नंबर इस पे आपको बता दे रहे हैं, आईडी का नंबर सब लोग लिख लीजिए, 440-816। चैट बॉक्स में भी डाल सकते, किसी के पास वो आईडी हो तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। इस पे डाल दे रहे हैं हम आपको 440-816-39। हाँ, ये मैसेज डल गया है, थैंक यू किसने ये मैसेज डाल दिया, उनके लिए धन्यवाद, मैसेज डल गया है 440-816-3915 3915। और पासवर्ड सभी को पता है, डल गया मैसेज, डल गया। हाँ डाल दिया किसी ने, हाँ, और पासवर्ड सभी को पता ही है 1008। एक बार और ध्यान दीजिए, 440 जिसे चैट बॉक्स में लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, 440-816-3915 ये आपका आईडी है और 1008 ये पासवर्ड है। सभी लोग भेज दीजिए, अभी भी भेज देंगे तो लोग जुड़ जाएंगे। अभी भी आप एक एक दो दो लोगों को फोन कर दीजिए, जब तक मंगलाचरण हो रहा है, एक एक दो दो लोगों को आप फोन करके बता देंगे तो लोग जुड़ जाएंगे। कई लोग ग्रुप में ऐड नहीं है, कई लोगों को मैसेज नहीं मिला होगा, नित्य प्रतिदिन नए नए लोग जुड़ते हैं। जो भी फेसबुक के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कृपया वो इस आईडी को सभी फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक पे, जूम और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डाल दीजिए सभी लोग। इस मैसेज को सभी लोग फॉरवर्ड करें अपने अपने ग्रुप में, फोन करके भी कह सकते हैं। हाँ, चलते हैं हम मंगलाचरण की ओर, आदि प्रभु की ओर। बोलिए, देवादि देव आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योदकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा
वालंबनं भव जले पतताम जनानाम यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुतभूत बुद्धि पटु भी सुर लोकनाथे स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोषे किला हम पितम प्रथमं जिनेन्द्रम। बोली आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्न त्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त आरिका संघ की जय। जय जय। चलते हैं हम हमारे सेशन। वहां क्या बात है क्या। आज 333 डेज हो चुके हैं। 28 नंबर का श्लोक और आज की जो आठवीं भावना है बहुत अच्छी भावना, साधु समाधि भावना। भावना भा रहे हैं हम लोग तीर्थंकर प्रकृति की जो 16 कारण भावना है, हम भावना भाते चले जा रहे हैं प्रतिदिन। आज जो भावना हम भाएंगे वो साधु समाधि भावना, तप की त्याग की सारी भावनाएं प्रतिदिन एक एक करके हम भा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम साधु समाधि भावना भाएंगे। तो उसके पहले श्लोक के लिए हम चलेंगे। सबसे पहले हम सुरक्षा कवच हमारा तैयार कर लेंगे। दोनों हाथों को आगे कर लीजिए। हमारे अंगुष्ठ पे अरिहंत भगवान को हम विराजमान करेंगे। पूरे हवा में एक बहुत बड़ा ओम बना लीजिए जिसमें 5 परमेष्ठी विराजमान है, 5 कलर से। उसी में से हम देखेंगे अरिहंत भगवान, उन्हें हम अपने अंगुष्ठ पर विराजमान कर लेंगे। व्हाइट कलर से एक लेयर हम अपने इर्द गिर्द 6 इंच ऊपर, 6 इंच ऊपर से एक लेयर हम हमारी बनाएंगे, 6 इंच ऊपर से बनेंगी। सासों के साथ नमो अरिहंतानम बोलते हुए, नमो अरिहंतानम एंड सेकंड तर्जनी में हम नमो सिद्धानम रेड कलर से विराजमान करेंगे। उस ओम में से हम रेड कलर लेंगे जो हमने हवा में कलरफुल ओम बनाया है, वहां से हमें सिद्ध भगवान को विराजमान करना है रेड कलर पे। नमो सिद्धारम। उसके बाहर से एक एक वलय बनानी है आपको। मध्यमा पर हम आचार्य भगवान को येलो कलर से विराजमान करेंगे, फिर उसके बाहर में एक वलय तैयार करेंगे। जो पायु वलय है ये हमें सुरक्षित करेंगी। नमो अनामिका पे नमो वध्यायनम, उपाध्याय परमेष्टि को विराजमान करेंगे ग्रीन कलर से। नमो उवच्छायानम और नमो लोए सर्वशाहुनम, छोटी उंगली जो हमारी कनिष्ठा, इस पे हम सर्व साधु को विराजमान करेंगे ब्लैक कलर से। उसके बाहर से एक वलय बनेंगी, नमो लोए सब साहु। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हमने पंच परमेष्ठी के 5 वलय से अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। ऐसो पंच नमो कारो सब पाप प्रणाशिनो मंगलाणंच सबे सिं परमम हवहि मंगलम, परमम हवहि मंगलम। 5 वलय से हमने अपने आप का सुरक्षा कवच। और अब अभी हम हृदय स्थान पर भी
48 रिद्धियों का कवच एक बनाएंगे, तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से हम एनर्जी कवच है वो सारे दिन हमें ऊर्जा मिलते रहेंगी। तो उसके लिए हम चलेंगे हमारे आदि प्रभु की ओर। आपके समक्ष आदि प्रभु की प्रतिमा, अपनी दृष्टि आदि प्रभु की दृष्टि की ओर लेके जाइए। धीरे से अपनी दृष्टि को आदिनाथ भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून पर लेके जाइए। देखिए वहां से एक व्हाइट कलर की एनर्जी निकलती है। आपको अपने इंडोक्राइन ग्लैंड नर्वस सिस्टम से पूरी अपने अंदर लेना है, लेना है, लेना है। आपके अंदर वो एनर्जी प्रवेश कर रही है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट कर रही है। आप देखोगे आपके अंदर की सारी कोशिकाएं वाइब्रेट हो रही है, सारे सेल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, और जितनी भी निगेटिविटी, दुख, दर्द, काय क्लेश, परेशानियां आदि विधि सब आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हवा में विलीन होते जा रहे हैं। आदिनाथ भगवान के शरीर से गोल्डन गोल्डन रश्मियां निकल रही है। वो गोल्डन रश्मिया, वो पॉजिटिव रश्मिया आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपका औरा सुरक्षित हो रहा है। आपका औरा सुरक्षित हो रहा है। आप सकारात्मक हो रहे हो। आपके अंदर सकारात्मक एनर्जी का वास हो चुका। इसी के साथ आप चारों प्रकार के आहारों का त्याग, एक घंटे के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए। और हमारे नित्य के तीन नियम जो है, तीन नियम हम धारण करेंगे। आज का जो श्लोक है अशोक वृक्ष का है, शोक नहीं करना है, इसलिए हमारा पहला नियम क्रोध मान माया लोभ चारों भी प्रकार का कषायों का त्याग हमें करना है। त्याग तो पूर्णतः नहीं होता, लेकिन आंशिक रूप में हम कोशिश कर सकते हैं। क्रोध नहीं करेंगे, अजमान नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे। और दूसरा नियम हमारा, भोजन में कम से कम हरेरी का उपयोग करेंगे या फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिएंगे। दो में से कुछ एक कर लीजिए, जिसे जो पसंद हो। इतनी हरियाली हम खाते ही नहीं है। 10,000 वनस्पतियां, 100 रख लीजिए, 80 रख लीजिए, 20 रख लीजिए, 10, 5, अपने हिसाब से। और तीसरा नियम है, हमें कषायों को शमन करना है तो कैसे होगा, इसलिए हमें वो तप के माध्यम से होगा, जो तप भावना हमने पहले देखी है, और आज जो साधु समाधि भावना है, वो भी भावना लाने के लिए हमें तप करना जरूरी है। इसलिए एक नमोखार मंत्र की माला के माध्यम से सभी लोग तप करेंगे, भावना भाएंगे समाधि की। नमोखार मंत्र की माला करने के लिए बैठ जाइए,
और भावना भाइये, इस संसार को दुख रूप महसूस करिए और समाधि पूर्वक मरण की भावना, समाधि भावना आपको भाना है। ये तीन नियम हमारे, एक खाने पीने से रिलेटेड है, एक हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए है, एक हमारे मन स्वास्थ्य के लिए है। माइंड बॉडी सोल तीनों के लिए एक एक नियम है, आप उसे जरूर पालन करिए, अपने शक्ति अनुसार करिए। हम सिर्फ बताते हैं, बाकी काम आपका है, करना नहीं करना, कैसे करना। इसी शुभ भावों के साथ चलेंगे हम अपने हृदय स्थान पर। पंचमर्मेष्टि का एक कलरफुल ओम विराजमान करेंगे हम और श्वासों के माध्यम से तीन बार ओम का उच्चारण भी करेंगे हम। अपने हृदय स्थान पर देखिए, मोक्ष स्थान से पंच परमेष्टि का पंच कलर रूपी ओम आ रहा है। उस ओम को अपने हृदय स्थान के मध्य में विराजमान कर लीजिए। और अब उसके आसपास तीन वलय हमें बनाना है, अनंत सिद्ध, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की तीन वलय। येलो कलर से प्रथम वलय, द्वितीय रेड एंड तृतीय ग्रीन कलर से। पहले वलय में हम आठ रिद्धियां स्थापित करेंगे। ये आपका एनर्जी चक्र तैयार हो रहा है। नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, नमो परमोहि जिनाणम, नमो सवो ही जिनाणम, नमो अनंतो ही जिनाणम, नमो कोठ बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, नमो पादाणु सारिणम। द्वितीय वलय, नमो सम्मिन्न शोधराणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्तेय बुद्धाणम, नमो बोहि बुद्धाणम, नमो रुजुमदिनम, नमो व्यूलमदिनम, नमो दशपूविणम, नमो चौदशपूविणम, नमो अष्टांग महानिमित्त, नमो व्यूयनेट्ठीपत्ताणम, नमो विज्जाहराणम, नमो चारणाणम, नमो पन्नशमनाणम, नमो आकाशगामिनम, नमो आशीविषाणम, नमो दिट्ठिविषाणम, नमो गतवाणम, नमो दित्तवाणम। तृतीय विलय में नमो गतवाणम, नमो दित्तवाणम, नमो तत्तवाणम, नमो महातवाणम,
नमो घोर तवाणम, नमो घोर गुणानम, नमो घोर परकम्माणम, नमो अघोर गुण ब्रह्मयारिणम, नमो आमो सही पत्तानम, नमो खेलो सही पत्तानम, नमो जल्लो सही पत्तानम, नमो विठो सही पत्तानम, नमो सवो सही पत्तानम, नमो मन बलिनम, नमो वचि बलिनम, नमो काय बलिनम, नमो खीर संविणम, नमो सप्पि संविणम, नमो ममूल संविणम, नमो अमीय संविणम, नमो अखीण माणशाणम, नमो सर्ववड्ढमानाणम, नमो सिद्धाय दणानम, नमो सर्वसाहूणम। हमने 48 सिद्धियां अपने हृदय स्थान पर विराजमान की, जिससे हमें सारे दिन ऊर्जा प्रदान होगी। ये ऊर्जा चक्र आप नित्य ही बना रहे, ऐसे हम चाहते तो 48 सिद्धि की माला फेरना हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इस श्लोक के और प्रोग्राम के माध्यम से हम आज 28 डेज हो चुके हैं, हम नित्य ही 48 सिद्धियों को अपने हृदय में स्थापित कर उसकी माला कर रहे हैं, 3 कलर से, येलो, रेड और ग्रीन। बोलिए ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज की जय जय जय। और हमारा जो श्लोक चल रहा है, 28 नंबर का श्लोक हमारा चल रहा है। कल हमने इसका लिया नहीं था क्योंकि कल काफी लोग जुड़े नहीं थे। 28 नंबर का श्लोक जो कि आज से हमारा अष्ट प्रातिहार्य वर्णन प्रारंभ हो रहा है। आज से कल तक हमने देखे थे तुलना, 7 to 27 नंबर तक हमने तुलनाएं की थी आदि प्रभु की, सूर्य चंद्र सुमेरु पर्वत दीपक आदि कितनी चीजों से, गुणों से, दोषों से, कितनी चीजों से हम नित्य ही तुलना कर रहे थे कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे हो, नित्य ही हम तुलनात्मक दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन तुलना करते करते आज मानतुंगा आचार्य की दृष्टि कहाँ चली गई, सॉरी 28, उनको गुणों को देखते देखते, शुरुआत तो उनने भक्ति से की थी, प्रथम 2 श्लोक में संकल्प लिया था मात्र की भक्ति करूंगा, बाद में अपनी लघुता बता दी 4 श्लोक के माध्यम से 2, 3, 4, 5, 6, और बाद में भक्ति करते करते अपने आप को लघुता बताते बताते सबसे तुलना कर ली 27 नंबर श्लोक तक, उनके गुणों का गुणगान करते करते आचार्य मानतुंग स्वामी जी कहाँ पहुंच गए। उनका गुणगान करते करते उनकी दृष्टि उस समवशरण की ओर चले गई जहां विराजमान होकर दिव्य ध्वनि खिरती है, जो धर्म सभा के नाम से जाना जाता है, जहां अष्ट मंगल प्रातिहार्य से सुशोभित हुआ करते हैं हमारे गुरु महाराज। वो अष्ट मंगल प्रातिहार्य की चर्चा, वो विभु की चर्चा, वो विभूति की चर्चा आज 28 नंबर श्लोक के माध्यम से हम कर रहे हैं। भगवान के समोशरण में मानतुंग जी जेल में बैठे बैठे ही पहुंच गए, भावों से समोशरण में पहुंच चुके हैं, और भगवान के सुंदर रूप को निहारते निहारते, भगवान के गुणों को निहारते निहारते उनकी दृष्टि अष्ट प्रातिहारियों पे चली गई। अरिहंत के जो 46 मूल गुण होते हैं, अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, जिसमें 8 मूल गुण प्रतिहार्य के रूप में होते हैं। द्रव्य दृष्टि से हम देखते, द्रव्य के माध्यम से देखे तो मानतुंग जी भले ही जेल के अंदर है, बेड़ियों के अंदर उनका शरीर जरूर जकड़ा हुआ है, परंतु भावों से आदिनाथ भगवान के समोशरण में पहुंच गए। धन्य है ऐसे आचार्य महाराज
कि भक्ति जिनका पूरा शरीर इतनी पीड़ा से व्यस्त है, जकड़ा हुआ है, फिर भी उन्हें ना हथकड़ी दिख रही ना पीड़ा दिख रही, मात्र अरिहंत परमात्मा की गुणगान, मात्र अरिहंत परमात्मा की वो अष्टपार्य रूप प्रातिहार्य रूप विभूति, वो बाह्य विभूति समोचरण आदि वो भी देख रहे हैं आचार्य मानतुंग जी, जो क्या करती है, जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधन से छोड़कर, कर्म बंधन को खोलकर स्वाधीन अवस्था को जो प्राप्त कराती है, जिसे प्राप्त कर हमारा आत्मा तीन लोक का नाथ बन जाता है और लोकाग्र में, लोक के अग्र भाग में चूड़ामणि भरकर अनंत काल तक विराजमान हो जाता है। जो ऐसी सम्यक भक्ति करते हैं वो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इन प्रातिहारियों को तो हम लोग लगा देते हैं स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से, कुबेर वहां सजा देता है समूह शरण में, अब वे प्रातिहार्य कहां से आते हैं? भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो क्या भलतेज ने समोषण में प्रातिहारियों की व्यवस्था कर दी थी? कहीं से खरीद के ले आया था चांदी सोने के और लाके रख दिया था? क्योंकि वो तो छह खंड के अधिपति थे, नौ निधि 14 रत्नों के स्वामी थे, कि बाहुबली ने कर दी थी वहां व्यवस्था, क्योंकि बाहुबली कामदेव थे, सुंदर थे, सारी वस्तुएं सुंदर थी, प्रातिहार्य तो प्रातिहार्य ही जो परम सुंदर थे। भैया ध्यान रखना, समोशरण में जो प्रातिहार्य थे ना वो भलतेश ने खरीद के लाया, ना वो बाहुबली ने सुंदर सुंदर प्रातिहारों की व्यवस्था करवाई, समोशरण की एक एक वस्तु दिव्य रहती है, देवो पुनित थी। जब भगवान के वस्त्र भी स्वर्ग लोक से आते हैं, जब भगवान की दीक्षा होने वाली रहती है, जब उनके वस्त्र, जब भगवान का जन्म होता है तो वस्त्र भी स्वर्ग से विमान से आते हैं, तो जब वो भगवान बन गए तो उनकी प्रातिहारी कहाँ से आएंगे? जब उनने चार घातिया कर्मों को नाश कर अरिहंत पद को प्राप्त कर लिया, 5000 धनुष ऊपर, 20000 हाथ ऊपर अंतरिक्ष में जाकर विराजमान हो गए, 20000 सीढ़ियां हैं जिसकी एक समय में चढ़ जाते हैं, जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है स्वधर्म इंद्र के द्वारा शंखनाद तो होने ही लगता है, पर स्वधर्म इंद्र के द्वारा समोशरण की जो रचना होती है, स्वधर्म इंद्र को अपने अवधि ज्ञान से ज्ञान हो जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, चार घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है, तो वो स्वधर्म इंद्र अपने सिंहासन से उठकर जिस दिशा में भगवान विराजमान है उस दिशा में 7 कदम आगे चलकर साष्टांग नमस्कार करता है और शीघ्र ही कुबेर को आज्ञा दे देता है कि तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तत्काल समोशरण की रचना करो। और उनकी आज्ञा पाते ही 12 योजन प्रमाण वाले अतिशय मनोहर समोशरण की रचना कर देते हैं। 12 योजन प्रमाण समोशरण की रचना हो जाती है। कहीं से वो अष्ट प्रातिहार्य खरीद के लाके रखना नहीं पड़ता है, पूरे दिव्य प्रातिहार्य सब व्यवस्था अपने आप वहां देवों के द्वारा हो जाती है। भगवान वहां जहां विराजमान है, भगवान जहां विराजमान है वहां मानतुंग स्वामी जी पहुंच गए ऐसा लग रहा है और प्रातिहारियों को निहार रहे हैं, प्रातिहारियों को देख रहे हैं कि वो अष्ट प्रातिहार्य जिसमें पहला प्रातिहार्य का नाम है अशोक वृक्ष, वो देख रहे हैं और उसकी कैसी व्याख्या करते हम आगे देखेंगे।
जिन्हें देखकर मन हर जाए, जिन्हें देखकर मन आकर्षित हो जाए, भक्ति करने के लिए विवश हो जाए, ऐसी जो श्रद्धा के प्रतीक, उन प्रतीक को चिन्हों को हम प्रातिहारी कहते हैं। प्रातिहारी किसे कहते हैं? जिन्हें देखकर भक्ति करने का मन हो जाता है। भक्ति करने के लिए मन विवश हो जाता है, ऐसे श्रद्धा के प्रतीक प्रातिहारियों को मान तुंग जी निहार रहे हैं और देख रहे हैं, और देखते ही देखते, निहालते ही निहालते उसका कैसा वर्णन करते हैं, वो वर्णन आज हम करेंगे यहाँ पर प्रातिहार्य का। जिन्हें देखकर भक्तों की दृष्टि समय थम जाती है, लेकिन ध्यान रखना, कुबेर ने चाहे कितने सुंदर समोषण की रचना की हो, चाहे कितने सुंदर मन को हरण करने वाले प्रातिहारियों की रचना की हो, परंतु धन्ना ते भयवंता, वे भगवान धन्य है जिन्होंने इस समोसरण की ओर उस सुंदर मणिमय रत्नों से खचित प्रातिहार्य को एक बार भी अपनी दृष्टि नजर उठाकर नहीं देखा। धन्य है वो आदि प्रभु। आठ प्रातिहारियों की रचना कर दी कुबेर ने। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये अष्ट प्रतिहार्य क्या है? अष्ट प्रतिहार्य की संख्या आठ ही क्यों है और ये क्या है? लगता है अष्ट कर्मों को नष्ट करने के लिए ये हमारे समक्ष है। अशोक वृक्ष, सिंहासन दूसरा, चंवर तीसरा, चार में छत्रत्रय, पांच में देवदुंदुभी, छह में पुष्प वृष्टि, भामंडल, दिव्य धनी, ये अष्ट प्रातिहार्य चार घातिया और चार अघातिया ऐसे आठ कर्मों को नष्ट करने के लिए बने हुए हैं। जो पहले के चार प्रातिहार्य है जिसका वर्णन हम आज शुरू कर रहे हैं, अशोक वृक्ष, सिंहासन, चवर, छत्रत्व, ये जो प्रातिहार्य है ये सुंदर विविध रत्नों से मणियों मुक्ताओं से बने हुए हैं। चार प्रातिहार्य पहले के, और बाद में जो चार प्रातिहार्य है जो अघातीय कर्मों के सूचक, वो दुंदुभी, वो पृष्ठवृष्टि, वो भामंडल, वो दिव्यधनी, ये जो अंतिम चार प्रातिहार्य है वे मणि मुक्ताओं से रत्नों आदि से रहित आठ प्रातिहारी है, रहित होते हैं उनसे। दुंदुभी में कोई मणि नहीं रहेंगी, पुष्प वृष्टि में कोई मणि नहीं रहेंगी, जो भामंडल यानी आभा है उसमें कोई मणि मुक्ता नहीं रहने वाले हैं, दिव्य धनी जो खिल रही है उसमें भी कोई मणि मुक्ता है नहीं रहती है। पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष के वर्णन की ओर हम चल रहे हैं, जिसकी शोभा कैसी है, इस अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान की शोभा कैसी प्रतीत होती है, विचार करिए, सोचिए, अपने आप से सवाल करिए कि पहले अशोक वृक्ष की प्रातिहार्य की शोभा कैसी है। उच्चैर अशोक तरु संस्थित मुन मयूख, माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम, पष्टोल सत किरण मस्त तमो वितानम, बिंबम रवे रिव पयो धर पाश वर्ती। हम पढ़ लेंगे, उच्चैर शोक तरु संस्थित मुन्मयूख, मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, पष्टोल सत किरण मस्त तमो वितानम, बिंबम रवे व्यपयो धर पार्श्ववर्ती। हम एक एक शब्दार्थ इसके हम देख लेंगे। उच्चैर अशोक तरु संस्थित, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, अशोक वृक्ष के नीचे स्थित मन मयूख, जिसकी किरणें ऊपर की ओर फैलती है। उच्चैर शोक तरु संस्थित मन मयूख, उसके बाद माभाति रूप ममलम,
महाभाती का अपन संधि विग्रह करेंगे तो आभाती हो जाएगा। आभाती यानी शोभित होना, ममलम यानी उज्जवल, रूपम यानी रूप, आभाती रूप ममलम, भवतो भवतो यानी आपका, नितांतम भवतो नितांतम यानी नितांतम यानी अत्यंत, पष्टोल्लसत किरण मस्त तमो वितानम, स्पष्ट रूप से शोभायमान किरणें जिसकी है उसे कहते हैं स्पष्टोल्लसत किरण मस्त, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तमो वितानम जो तम यानी अंधकार के समूह को जो नष्ट कर दे, तम यानी अंधकार। बिंबम रवे रिव पयोधर पार्श वर्ती, बिंबम रवे रिव यानी सूर्य के बिंब की तरह, पयोधर पार्श्ववर्ती मेघ के पास में स्थित, इस प्रकार हमने शब्दार्थ देखा। अब हम एनिमेशन देखते हैं और फिर हम आगे अशोक वृक्ष की चर्चा करेंगे कि प्रथम प्रातिहार्य उसकी हम चर्चा करेंगे। देख लीजिए आप लोग आपको यहाँ अशोक वृक्ष दिख रहा है। हम काफी देर से आपको अष्ट प्रातिहारियों का बता रहे हैं तो थोड़ा विचार करने वाली बात है जिसकी चर्चा हम इतने देर से कर रहे हैं। अशोक वृक्ष कुबेर ने प्रातिहार्य में अशोक वृक्ष को क्यों चुना और वृक्ष का नाम अशोक ही क्यों? क्या अशोक वृक्ष वो था पहले से या भगवान उसके नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति करने गए इसलिए वो अशोक हुआ? थोड़ा दुविधा में क्वेश्चन है। अपनी केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो काय निरोध करने के लिए वटवृक्ष के नीचे बैठकर केवल ज्ञान प्राप्त किया तो वो अशोक वृक्ष हुआ? दो सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 24 तीर्थंकर के सबके अलग अलग वृक्ष है, अजीनाथ भगवान का अलग है जो सप्त पर्णे कहते हैं, संभवनाथ जी का है शाल वृक्ष है, 24 तीर्थंकर के अलग अलग वृक्ष के नाम है, समय रहेगा तो बता देंगे। तो अशोक वृक्ष को यहाँ चुना क्यों, थोड़ा सा विचार करिए। ये अशोक वृक्ष क्यों कहला रहा है? क्या पहले से ये अशोक था? नहीं था, ये पहले से नहीं था। आदिनाथ स्वामी जिस वृक्ष के नीचे जाकर अपनी साधना करने के लिए गए, वो आदिनाथ भगवान तो पार्श्वधनुष की काया वाले थे। जितनी अवधारणा भगवान की होती है उससे 12 गुना ऊंचा वो अशोक वृक्ष था। 500 × 12 करोंगे तो कितना हो गया? 6000 धनुष की अवधारणा वाला अशोक वृक्ष उनके समोशरण में था। अब चिंतन करो, 500 धनुष की अवधारणा वाले तीर्थंकर 6000 धनुष की अवधारणा वाले सगुण अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होंगे तो वह दृश्य कैसा होगा? विचार कर लीजिए, वो अशोक वृक्ष कैसा होगा जो अनेक प्रकार की मणियों से बना होता है, जिसकी शाखाएं सुंदर वैडूर मणि से बनी है। वो कोई वनस्पति काय वृक्ष नहीं है, वो पृथ्वी काय है। हरित मणियों के पत्ते लगे हुए हैं, कोमल कोमल शाखाएं उपशाखाएं उसमें दिख रही है।
सघन रूप से लगे हुए हैं, जिसके वृक्ष सघन सुंदर प्रतीत हो रहा है। ओ हो, सोचिए विचार करिए, 6000 धनुष उदंग वृक्ष, वैडूर रुचिर विटप प्रवाल, जो वैडूर मणि से बना हुआ, जिसकी शाखाएं मयूर कंठ के समान नील वर्ण वैडूर मणि की बनी हुई है, उन शाखाओं में छोटी छोटे वैडूर मणि की उपसर्ग उपशाखाएं निकल रही है, हरित मणियों के सुंदर सुंदर छोटे छोटे कोपल कोपल फूल खिल रहे हैं, फूल फूल रहे हैं, वो सुंदर सुंदर मणियों से लदी हुई शाखाएं, वो रमणीय पुष्प, वो झुकी झुकी शाखाएं कैसी शोभायमान हो रही होंगी, थोड़ा विचार कर लीजिए, वो सुंदर रंग बिरंगी शाखाएं जिसके नीचे आदि प्रभु ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और वो वृक्ष अशोक वृक्ष बन गया, वो पहले नहीं था, भगवान के केवल ज्ञान से वो वृक्ष अशोक वृक्ष बन गया, शोक नहीं करने वाला, क्रोध मान माया लोभ नहीं करने वाला, भविष्य में वो एकेंद्री जीव भी जाकर मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है, उसके अहो भाग्य है उस वृक्ष के, जिसके नीचे बैठ के प्रभु ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, वो नियम से भव्य हो गया वो वृक्ष, और नियम से एक दिन निर्माण को प्राप्त होगा। एक वृक्ष का नाम अशोक है, तीर्थंकरों के अशोक वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान नहीं होता, बल्कि जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है वो वृक्ष अशोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है, इसलिए उसे अशोक वृक्ष कहते हैं। अलग अलग आचार्यों के अलग अलग भिन्न भिन्न 24 वृक्ष है, कभी चर्चा कर लेंगे हम। वासुपूज्य भगवान का कदम्ब वृक्ष है, विमलनाथ जी का जम्मू वृक्ष, बहुत सारे हैं। इस प्रकार से वो वृक्ष कैसा हो गया, शोक रहित, क्रोध मान माया लोभ रहित हो गया वो वृक्ष। और मानतुंग जी ने कह दिए भगवान को, हे विगत शोक रूपाधि पते, इतना सुंदर संबोधन, हे विगत शोक रूपाधि पते, जिस प्रकार सूर्य की प्रतिबिंब अपनी किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर ऊपर फैलाता है ना, श्यामल सघन बादलों के बीच में, वो कैसा शोभायमान होता है, उस भांति आपका जो पावन देह देह आपको दिख रहा है, दिव्य देह आप देख रहे हो पिक्चर में, अपनी दैदीप्यमान रश्मियों को ऊपर की ओर बिखर कर हरित शोक वृक्ष अशोक वृक्ष के नीचे शोभा को प्राप्त हो रहा है, ये अशोक वृक्ष देख रहे हैं। इसी प्रकार उनकी शरीर की रश्मियां भी फैल रही है, दैदीप्यमान हो रही है। इस प्रकार से उन्होंने सूर्य की किरणों से उसकी तुलना कर दी, जिस प्रकार सूर्य की किरणें होती है उसी प्रकार आपकी भी प्रतिबिंब, आपका भी जो सूर्य बिंब अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला सूर्य बिंब सघन मेघों के समित शोभा को प्राप्त होता है, ऐसे ही आदिनाथ भगवान स्वामी का जो कलर था ना, वो स्वर्ण कलर था, तो वो स्वर्ण वर्ण वाला सूर्य बिंब के सदृश, सूर्य बिंब के सदृश वो दिख रहा है, वो गोल्डन गोल्डन रश्मियां फैल रही है, वो गोल्डन गोल्डन रश्मियां फैल रही है। अशोक वृक्ष के नीचे आप देख रहे हो कितने अच्छे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, कितने अच्छे शोभा को प्राप्त हो चुके हैं आदिनाथ भगवान अशोक वृक्ष के नीचे, और वहां केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। देखिए कितना सुंदर, कितना सुंदर दिख रहा है सब, ये देख लीजिए आपके समक्ष। ऐसे पहले अशोक वृक्ष प्रातिहार्य का वर्णन आज हमने समझा, जो कि 5000 धनुष ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान समो शरण में स्थित, जिसमें शोक नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, ऐसा वृक्ष जो भावी तीर्थंकर बनने वाला है, वो भी एक केंद्रीय जीव,
जिसकी चर्चा आज हमने की, आगे हम चलेंगे, हमारे जो भावना आज चल रही है साधु समाधि भावना की ओर चलेंगे। अशोक वृक्ष हमें शोक नहीं करना सिखाता है, हमें क्या सिखाता है, शोक नहीं करना। इसलिए आज हमने नियम दिए हैं कि हमें क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं करना है। अब आगे हम चलते हैं श्लोक को, यहाँ विराजमान श्लोक को विराम देते हुए आगे की ओर हम चलते हैं। जो हमारी भावना चल रही है 16 कारण भावना, आज आधा पड़ाव हम प्राप्त पार कर चुके हैं, आधा पड़ाव हमने प्राप्त कर लिए। आज जो भावना आ रही है हमारी साधु समाधि भावना, साधु समाधि भावना जिसमें समता भाव रखना है। और आज हमने जो देखा अशोक वृक्ष का वर्णन, वो अशोक वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कैसे होती है, साधु समाधि भावना से ही होती है। तीर्थंकर पद की प्राप्ति कैसे हुई आदि प्रभु को, उन्होंने भी ये 16 कारण भावना भाई थी। 8वें नंबर की साधु समाधि भावना भी भाई थी। अपने आप को समता परिणाम में वो लेके गए थे। सुख हो दुख हो चाहे जिस चीज हो, उनने समझ लिए कि मैं अखंड अविनाशी चैतन्य ज्ञान पिंड हूं, मेरा मरण हो नहीं सकता। ये चीज उनने समझ ली। 8वीं भावना, जैसे भंडार में कहीं आग लग जाती है तो गृहस्थ क्या करता है, जो अपनी उपकारी काम की वस्तु है उसको बचाने की कोशिश करता है, करता है ना। इसी प्रकार से जो हमारे व्रति संयम नियम धारण करने वाले होते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का विघ्न या उपसर्ग आ जाए तो वो अपने व्रत और शील की रक्षा करते हैं। यदि उसमें उपसर्ग रूपी आग लग जाए व्रत नियम संयम धारी मनुष्य में, तो वो अपने व्रत और शील की बचाने की कोशिश करता है, जिस प्रकार भंडारी अपने उपयोगी वस्तु को बचाने की कोशिश करता है, वो साधु समाधि भावना है। उसकी भावना क्या हो रही है कि अपने व्रत शील नियम संयम तपकों में बचा दूं, कितना भी इष्ट वियोग हो जाए अनिष्ट संयोग हो जाए तो भी वो भयभीत नहीं होते। जो सप्त भय है, इस लोक भय परलोक भय वेदना भय मरण भय, जो सात भय है वो सात भय से जो रहित होते हैं उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और ये जो 16 कारण भावना जो भाते हैं वो ही तीर्थंकर पद परम पद को प्राप्त होते हैं। एक भजन के माध्यम से ही आप सारी चीजें समझ लेंगे। जो उत्पन्न हुआ वो तो नष्ट होगा ही, पर्याय का विनाश तो अवश्य है। एक पर्याय अभी है फिर कुछ सिर्फ एक चैतन्य द्रव्य मात्र ऐसा है जो ध्रुव है अनित्य है जिसका विनाश नहीं हो सकता। जो हमारे 10 प्राण है, 5 इंद्री वचन काय मन बल वचन बल काय बल आयु बल श्वासोश्वास, ये 10 प्राण है हमारे, इनके नाश को मरण कहते हैं। ये 10 प्राण नाश हो गए, नष्ट हो गए तो हमारा मरण हो जाता है। लेकिन ये द्रव्य मरण है, ये भाव मरण कैसा होगा, तुम्हारे ज्ञान दर्शन सुख सत्ता इत्यादि ये तुम्हारे भाव प्राण है, इनका कभी नाश नहीं होता। द्रव्य प्राण और भाव प्राण, 10 जो प्राण है वो द्रव्य प्राण है जिनका नाश हो सकता है, लेकिन जो भाव प्राण है अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। देह के नाश को अपना नाश जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। लेकिन ज्ञानी विचार करता है कि जिसने जन्म धारण किया वो अवश्य मरेगा, यदि मैं भी कायर हो जाऊंगा तो मरण नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं अजरा अमर पद को प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे कायर नहीं होना है, मैं धीर बना रहूंगा।
तो ही नहीं मुझे मरण नहीं छोड़ेगा, नहीं तो मरण मुझे पकड़ के जरूर मारेगा, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ उसका विनाश होने ही वाला है। वो धीर वीर बन के जिएंगे ताकि वो मरण उसको छीन ना सके, वो मृत्यु को जीत ले। ऐसे धिक्कार है ऐसे मरण को जो बार बार मरण करवा रहा है। जो दुर्गति का कारण है, लेकिन जो मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप उनका मरण नहीं होगा, ऐसा मरण करना उचित है, यही साधु समाधि भावना है। भोग तो रोग के घर है, उसपे तो उपसर्ग होते ही है, देवकृत मनुष्यकृत तिर्यंचकृत। भोग जो है सब ये रोग के घर है, वो तो मरण को प्राप्त होना ही है। भोगते भोगते सारी चीजें, ज्ञानी जो होता है वो उस रोग से भय नहीं करता, ना वो उस भोग भोगने की लालसा रखता है। वो जानता है शरीर महारोग वाला है, शरीर को सुधा तुसा महारोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए साधु समाधि भावना कैसी भानी है। एक बहुत सुंदर भावना मेरी मम्मी डेली पढ़ती है, जो उनके गुरु ने दी थी, साधु समाधि भावना जो हम पढ़ेंगे। सुख दुख में समता धर लेना, सुख दुख में समता धर लेना, वही साधु समाधि है। साधु समाधि क्या है? सुख दुख में समता धर लेना, वो ही साधु समाधि है। अरे मन सुख दुख में समता धर लेना, वो ही साधु समाधि है। आ जावे उपसर्ग कभी तो, आ जावे उपसर्ग कभी तो, मरण अगर सन्मुख ही हो तो। अविनाशी नुग धारण करना, अविनाशी निज रूप धारण करना, साधु समाधि है। अरे मन सुख दुख में समता धर लेना, साधु समाधि है। कौन सी है साधु समाधि? सुख हो चाहे दुख हो, सब में समता परिणाम रखना। इष्ट वियोग कभी हो जावे, जो अपनी प्रिय चीज है उसका कभी वियोग हो जावे। अनिष्ट संयोग सतावे, और जो अनिष्ट चीज है उसका संयोग यदि हमें सताता है। वस्तु स्वरूप विचार सारे यह साधु समाधि धर लेना। अरे मन साधु समाधि, इष्ट वियोग चालिष्ट संयोग, सब में आपको साधु समाधि यानी समता भाव रखना है। मेरी प्रिय चीज मुझसे भले ही दूर हो जाए, और जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही वो भले ही मेरे संपर्क में अनिष्ट चीज आ रही हो, हर चीज में आपको साधु समाधि भावना समता भावना। मुनि जन हो लवलीन इसी में, पाले थे गुण तीन इसी में। मुनि जन इसी में लीन थे, तीन गुण पाले थे उन्होंने, वो कौन से थे? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सह, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण यह साधु समाधि है। अरे मन सुख दुख में समता धर लेना, अपने मन को संबोधन करो कि हे मन सुख दुख में समता धर लेना। अरे मन साधु समाधि है, अरे मन साधु समाधि है। निर्मल शुद्धि शुद्धातम जल है, कर्म धूलते इसमें मल है। परम रत्न यह भेद ज्ञान ही, परम रत्न यह भेद ज्ञान ही। भेद ज्ञान परम रत्न बताया है, भेद ज्ञान ही साधु समाधि है। अरे मन सुख दुख में समता धर लेना, साधु समाधि है। माना गुण अब चिदानंद के, जाना निकट न दंद फंद के। क्या बोल रहे?
माना गुण अब चिदानंद के, चिदानंद के गुण को मानो और जाना निकट न दंड फंद के, किसी दंड फंद के पास मत जाना। लाख बात की बात यही है, यही साधु समाधि है। लाख बात की बात यही, यह साधु समाधि है। अरे मन सुख दुख में समता धर लेना साधु समाधि है। ये भजन के माध्यम से, साधु समाधि के माध्यम से पूरी साधु समाधि भावना हमारी क्लियर हो रही है। पदवी देती तीर्थंकर जैसी, क्या देती है? तीर्थंकर जैसी पदवी देती है। फिर जय कुवरण भावे तबले व्याधि उपाधि है। सुख दुख में समता धर लेना साधु समाधि है। अरे मन सुख दुख में समता धर लेना साधु समाधि है। सुख दुख में समता धर लेना, वो ही साधु समाधि है। अब ये सुख दुख आते कहाँ हैं, कहाँ से आते हैं? ये जो वेदनी कर्म है, इसके दो भेद है, साता वेदनी और असाता वेदनी। दो पुत्र रहते हैं, एक खटिक के घर जन्म लेता है और एक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है। खटिक के घर जो जन्म लेता है उसका क्या चल रहा है? वो असाता वेदनी है। और जिसने ब्राह्मण के घर ले लिया वो साता वेदनी है। क्यों? क्योंकि उसके घर दिन रात पुण्य पूजा पाठ हो रहा है, खटिक के घर दिन भर मार काट लगी है, वो असाता वेदनी है। वेदनी कर्म को जो उपमा दी गई है, शहद लिपती तलवार की दी गई है। शहद लिपती तलवार की उपमा से साता असाता कैसे होते हैं? शहद तो लिपती है, मन जा रहा है उस शहद को चाटने में। आपने शहद को चाटा तलवार के ऊपर, आहा सुख का आनंद हो गया। लेकिन उसी तलवार से जब आपकी जीभ कट गई, असाता वेदनी का दुख हो गया। तो ये साता असाता बंद आते कहाँ है, कहाँ से आते हैं? वो हमारे ही करे हुए रहते, कहीं बाहर से कोई खरीद के लाके आपके अंदर नहीं डाल देता। एक सीधी सिंपल सी बात, रात में भोजन करके आप बर्तन बाहर रख दो, कितने समूलचन जीव की उत्पत्ति होती है। यदि आपने बर्तन तुरंत नहीं धोए, सुबह बाई आते तक आपके बर्तन पड़े हैं, सोचो उसमें कितनी समूलचन जीव की उत्पत्ति हो रही, कितनी हिंसा का पाप हमें लग रहा है उसमें। अब वो जो जीव मरेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देके जाएंगे क्या? क्या देके जाएंगे? वो जीव श्राप ही देके जाएंगे आपको, उनकी हाय आपको लगेगी, वो श्राप देके जाएंगे। अनछना पानी हमने टॉयलेट में डाल के, जो भावी सिद्ध परमात्मा थे वो क्या हमें आशीर्वाद देंगे? वो सब जीव हमें श्राप ही देने वाले हैं। यानी असाता वेदनी कर्म का बंद हमें उसी क्षण हो रहा है। अब हम कहाँ कहाँ दृष्टि डाले, क्या गीजर के पानी पे डाले जो गर्म उबल रहा है, कितने जीवों को उबाल दिए गीजर के पानी। ये व्यवस्था ही संसार की ऐसी है। कहाँ कहाँ नजर डाले हम कि हम कहाँ कहाँ पाप कर रहे हैं। बिस्लरी का पानी बना सोचे समझे पी ले रहे हैं, हम कहाँ कहाँ नजर डालें कि कहाँ कहाँ से हम पाप करके साप बटोर रहे हैं, कि इंद्र जीव के, दो इंद्र जीव के, तीन इंद्र, चार इंद्र के। वो साप हमें जो मिलता है उसी से असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। और वो हमारे असाता वेदनी कर्म जब उदय में आता है तो कोई आपके मंत्र तंत्र कोई औषधि काम नहीं आती उस समय। चाहे जितने मंत्र पढ़ लो, चाहे जितने में मंत्र पढ़ दो, यदि आपका पुण्य कर्म है तो मेरे मंत्र काम करेंगे, आपका यदि पाप कर्म है तो वो मंत्र भी थोड़ा विचार करते हैं। सब पुण्य से होता है। मंत्र तंत्र औषधि चाहे जितनी लगा लो आप, अपन देखते हैं किसी के लिए हम कितनी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन कर्म उन्हें छोड़ते नहीं है। बड़ी दुख की बात होती है। किसी किसी को कितने जल्दी मंत्र हीलिंग काम आके वो इतने जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनके पुण्य कर्म में हम निमित्त लग गए, उनका जो सत्ता में पड़ा हुआ था वो पुण्य कर्म उदय में आ गया। लेकिन किसी किसी के इतने गाढ़े निदंती निकांचित कर्म, इसको कहते हैं कर्म बंद की 10 अवस्थाएं। बंद सत्ता उदय उदन्ना उपशम, उस निदंती निकांचित जो बंद की 10 अवस्थाएं है,
जिसमें निधन तिनिकांचित जो 9 और 10 नंबर के जो दो कर्म है जो बनते हैं जो वे निधन तिनिकांचित कर्म एक बार बन गए तो वो फल दे बिना नहीं रहते, फल निश्चित देंगे। आप शांति धारा पूजा पाठ करवाओ, थोड़े कर्म के बंधन थोड़े ढीले होंगे लेकिन फल निश्चित देंगे ही आपको, थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन देंगे जरूर। यदि किसी को 6 साल की जेल हुई है तो वो कम होके 1 साल की हो जाएंगी, 3 साल की हो जाएंगी, लेकिन वो देंगे फल, फल वो हमें देंगे ही। ऐसे वेदनी कर्म का बंध हम जाने अनजाने में करते चले जा रहे हैं। घास पे हम चलते हैं, वॉकिंग करने की बड़ी फैशन आ गई है घास पे, सोचिए विचार करिए हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाप करते चले आ रहे हैं, कैसा श्राप उन जीवों का हमें मिलता है और वही असाता कर्म में कन्वर्ट होकर हमें उसको भोगना पड़ता है। हम अपने सुख के लिए हंसते हंसते कैसे कैसे कर्मों का बंधन कर लेते हैं, बहुत सोचने वाली बात है। एक एक पग आपको जिंदगी में संभल संभल के रखना है। अब तो संभल जाओ, अब तो संभल जाओ, अब तो संभल जाओ। जब जागे तब सवेरा, कोशिश कर सकते हैं हम, पुरुषार्थ कर सकते हैं हर कदम फूक फूक के रखने की, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसलिए थोड़ा विचार करिए, सोचिए कि हमारे तरफ से बर्तन तो हम रात में धो के रख ही सकते हैं, नलों में छन्ना लगा ही सकते, जितना हो सके उतना हम करने की कोशिश करेंगे। 100% तो मुश्किल है लेकिन जितना हो सके हम करने की कोशिश करें, और साधु समाधि भावना हमारी जो चल रही है उस साधु समाधि भावना को भाए सभी लोग। ऐसी शादी हमारी भावना जो भावों में अनेक बार हमें नारीपना प्राप्त हुआ है, काम की तीव्र लंपटना सहित अनेक बार नपुंसकता भी प्राप्त हुई है, ये जो हमें भावों से रोग लगे हुए हैं, जो जो चीज हमें प्राप्त हुई, अब हमें मिल गया है समय, मनुष्य रूपी भूमि मिल गई है, जहां हम ये जो हमारी भाव भाव की जो रूढ़ी चलने आ रही है इसको नष्ट हम कर सकते हैं। हम लोग ने अनंत काल से ये भाव भाव के निवासी ही होते चले जा रहे हैं, भाव भाव के निवासी ही बन रहे हैं हम अनंत काल से, क्योंकि हमने दृष्टि नहीं डाली, अपने आत्मा पे दृष्टि नहीं डाली, भाव भाव के निवासी होते चल रहे। लेकिन अब समय आ गया है जो हमें भाव भाव विनाशनी बनना है, भाव विनाशनी बनना है, निवासनी नहीं बनना है। विनाशनी तो हम अनादिकाल से बनते बनते आधा पड़ाव प्राप्त करके आ गए मध्य लोक में। अब ऊपर की ओर जो रास्ता है वो भाव विनाश का है, नीचे तो जो था वो भाव निवास का था, साथ स्वर्ग और एक नीचे कलकला पृथ्वी जो निगोद की पृथ्वी थी वो सब पार कर दिए, 50% पार करके आ गए मध्य लोक में। ऊपर 50% जो बताया वो भाव विनाश का है, नीचे जो 50% था वो भाव निवास का था, वो भाव निवास अभी हमें छोड़ के ऊपर की ओर जाना है जहाँ भाव विनाशनी, जहाँ साधु समाधि भावना भाने से हमें मिलेंगे। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जितनी भी क्रिया है पूजा पाठ आदि सब व्यर्थ है। सम्यक दर्शन सहित सारी क्रिया यदि रहेंगी तो वो आपको पुण्य बंद कराएंगी, साथी से पुण्य का बंद कराएंगी और आपके जो भाव भाव निवासनी वाली चीज है वो नष्ट हो जाएंगी, उसका नाश हो जाएगा और आप भाव विनाश के ऊपर आत्मानुशासन में जाके स्थित परम पद को प्राप्त कर इसी भावना के साथ सभी जीव भावना भाव विनाशनी की प्रार्थना करें, साधु समाधि भावना भाए और उस परम पद को प्राप्त करें। इसी अपने विचारों के साथ आज मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे हम चलेंगे 56 अर्घ की ओर। एक सूचना आपको फिर से, आईडी हमारी चेंज हो चुकी है, इसलिए सभी लोग अपने मित्र मंडल रिश्तेदार जिन जिन को आपने जोड़ा है, कम से कम एक एक ने 10-10 को जोड़ा है, तो हमने जो आईडी का इसमें मैसेज डाला हुआ है उस मैसेज को पढ़ लीजिए, उसकी जो आईडी है वो सभी की ओर आप भेज दीजिए।
अपने मित्र मंडल को, अपने ग्रुप में, सब में डाल दीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से हमारी एक साल से ओवर जो आईडी चल रही थी ओवरलोड हो चुकी है। काफी प्रोग्राम, आध्यात्मिक आईडी बन चुकी थी वो, काफी प्रोग्राम हमने उस पर किए हैं। नई झूम आईडी आप लोग लिख लेंगे, जो चैट बॉक्स में लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, 4481639915 क्या है, 4444 पहला बहुत अच्छा अक्षर है, 4444 चार चार क्या हो गया, 8 अष्टकर्मों को नष्ट करने के लिए, 4444 से शुरू हुई है, याद रखिए 0816391915, 4 और 4 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 6 23, 23 और 3 26, 26 और 9 35, 36 और 5, 36 और 5 41, पूरे का टोटल हमने करे 41 हो गया। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती तो 41 प्रकृतियां नष्ट होती है। तो ये बहुत अच्छा अंक है, 4408163915 और 1008 इसका पासवर्ड है। 47 प्रकृति हमें नष्ट करना है, बहुत ये लिख लीजिए सभी लोग, और अपने सभी मित्र मंडल और सभी ग्रुप में याद से सभी लोग इस आईडी को जरूर डालिएगा, ताकि हमारे बचे हुए लोग इसको सुन सके। क्योंकि जितने लोगों तक आप पहुंचाओगे, मैंने बताया कि आपको उनके पुण्य का छठवां भाग आपको प्राप्त होगा, एक का। यदि आप 10 को पहुंचाएंगे तो कितना हो गया, 60% पुण्य आपका बढ़ गया। जो जिनवाणी सुनने से वंचित रह रहा है, शांति धारा देखने से वंचित हो रहा है, उनको आप शांति धारा दिखाओगे, प्रतिक्रमण करवाओगे, जिनवाणी सुनवाओगे, छठा पुण्य का भाग आपके कोटे में जाएगा। आप अपना पुण्य को बढ़ा लीजिए, अपने पुण्य का पर्दा भारी कर लीजिए। मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है आपको। ये पुण्य करने के चांस भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं, ये गोल्डन चांस मिला है कि सबको जोड़ना है आपको, जो बचे हुए लोग हैं हमारे, जो नित्य ही सुन रहे थे, जो आज हमसे वंचित रह गए काफी लोग, उन सबको आप लोग फोन करके और बताइए। 10 मिनट बैठ जाइए समय निकाल के, और आराम से 10 मिनट में 10-20 फोन तो हो ही जाएंगे आपके। 10 फोन आराम से करिए, 10 लोगों तक सुबह, 10 लोगों तक दोपहर में, 10 लोगों तक शाम को। 10-10 मिनट बैठोगे, 10-10 फोन आप लगा के एक एक मिनट में आईडी चेंज हो गई करके उन्हें स्पेशली भी बता दीजिए। कई लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते मैसेज अपन डाल दो तो आप लोग जरूर ये नई आईडी सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नम्र निवेदन है आपका, आपको मेरे ओर से, आप ये जरूर 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 आईडी को सबको भेजने की कोशिश करें। 10 मिनट आईडी भेजने के लिए अपना निकालेंगे, ये आपका नियम है आज। जो लोग अंदर से तरस रहे हैं, ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं, हम जुड़ नहीं पा रहे मैडम, कल का हमारा रह गया, कल का हम नहीं सुन पाए मैडम, हमारा रह गया मैडम, कल तो हमने लिया ही नहीं था, तो बहुत लोगों को अंदर से उत्कुटता हो रही है। रात में ट्रेनिंग में भी कई लोगों की उत्कुटता हमने देखे थे, उनकी जो अंदर से जिनवानी को सुनने के जो भाव है, वो बोलते हम वंचित ना रह जाए, तो वो वंचित ना रहे, इसलिए उनकी उत्कंठा को हमें फुलफिल करने के लिए जरूर एक फोन जरूर लगाएंगे सभी लोग। और अर्घ भी चढ़ रहा है 2688, अर्घ भी उनके आधे रह जाएंगे बीच में, इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन, करबद्ध निवेदन, सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारों को जरूर जोड़िए, जो जो इसमें जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं उन्हें भी जोड़िए, और ये आईडी सब तक पहुंचाइए, ताकि आपके अकाउंट जो पुण्य का आज बढ़ाने का आपको सुवर्ण संधि, सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, आपका पुण्य का पलटा निश्चित ही भारी होने वाला है। चलिए हम चलेंगे अब हमारे 56 अर्घ की ओर, 56 अर्घ को हम चढ़ाएंगे। दो हजार छह सौ अट्ठासी में आज हमारे 28 नंबर श्लोक, हम अपनी भावना साधु समाधि की भाएंगे, साधु समाधि की भावना भाते भाते ही हम ये अर्घ चढ़ाएंगे, ताकि हमें संसार दुख रूप लगकर वो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाए। इसी भावों के साथ अब हम साधु समाधि भावना भाते भाते इन अर्घों को, हम 56 अर्घों को चढ़ाएंगे, ताकि हमारे आज का जो प्रातिहार्य था अशोक वृक्ष
क्रोधमान मायालोक भी हमारे नष्ट होए, हमारे क्रोधमान मायालोक रूपी जो शोक हमें अनादि से चले आ रहे हैं, लगे हुए हैं हमारे अंदर, वो शोक भी हमारे नष्ट हो जाए, हम अशोक हो जाए। हमें भी कभी एक ऐसे वृक्ष के नीचे साधना करने का अवसर प्राप्त हो, इसी भावना के साथ 56 अर्घ हम चढ़ाएंगे। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। जय जय ओम ह्रीम अरम ऊ बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम चै बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम रीजाक्ष संयुक्ताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम शो बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम क बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम त बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम रू बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम सम बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम श्री बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम त बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम मुन बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम म बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम यु बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम ख बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम मा बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम भा बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम ती बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम रू बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम प बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम प बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम म बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम भ बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। म बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम लम बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम भ बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम भ बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम तो बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नी बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम ताम बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम तम बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। तृतीय चरण ओम ह्रीम अरम स्प बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम स्तो विना अक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम ल बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम सद बीजाक्ष संयुक्ताय श्री विषभना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामेति स्वाहा।
ओम रीम अरम की बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम र बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम न बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम म बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम स्त बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम त बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम ओ बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम वी बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम ता बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम नम बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम बिम बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। चतुर्थ चरण। ओम रीम अरम बम बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम र बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम वे बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम री बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम व बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। अरे हाँ, ओम रीम अरम प बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम यो बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम ध बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम र बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम पा बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम स्वर बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम व बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। ओम रीम अरम त्रि बीजाक्षर संता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरुपमिति स्वाहा। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। हम लोग एक चीज भूल गए आज, मंत्र और रिद्धि के मीनिंग भूल गए हैं। 28 नंबर के मंत्र और रिद्धि के मीनिंग की याद दिलाने वालों को धन्यवाद। चलते हैं हम मंत्रों की ओर। ओम नमो भगवते जय विजय जम्भय जम्भय मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ कह रहे हैं ओम नमो भगवते जय विजय। जिन्होंने जिन शासन पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे पंच परमेश्वरी भगवान, ऐसे अरिहंत भगवान, ऐसे आदि प्रभु, धीरे धीरे उनने जो विजय प्राप्त की वो कैसे की? जम्भे जम्भे यानी धीरे धीरे, मोहे मोहे यानी मोहनी कर्म को नष्ट कर। मोहे मोहे दो बार आया है, मोह और उसका परिवार जो मोह के साथ रहता है, इसका परिवार है दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दो भेद है, दर्शन मोहनी के 3 भेद है और चारित्र मोहनी के 25 भेद है। इसलिए ऐसे 28 लोगों का इसका परिवार है मोहनी कर्म का। तो वो मोहनी कर्म के 28 लोगों को जम्भय जम्भय धीरे धीरे जो जीत लेता है, जिस पे विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसे अरिहंत भगवान जो सर्व सिद्धि को प्राप्त कर ली है, जो इसने सौभाग्य रूपी भाग्य रूपी संपत्ति जो सौख्यम है यानी सौख को प्राप्त कराने वाली कौन सा सुख, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य को प्राप्त कराने वाली जो
उन्हें हम बार बार उनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, जो हमें अनंत सुख प्राप्त करा सकते ऐसे केवली भगवान। बिना केवली भगवान के पाद मूल के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। उनके चरणों में हमें वैडूर मणि चिंतामणि चिंतामणि बन बैठ के बनकर बैठना ही पड़ेगा, जब ही हमें जो सर्व सुख है उस सुख की प्राप्त होगी। अब हमें सौभाग्य बुला रहा है, हमारा सौभाग्य है कि हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य पर्याय रूपी जो भूमि मिली है, इस भूमि को स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए, और इसमें हमारी जो आत्मा है इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। काय का इन्वेस्टमेंट? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र का इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना है अपनी आत्मा में। जब वो एफडी डबल होके आएंगी तो वो मोक्ष के फल आपको प्राप्त होंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, आप अपनी आत्मा में इन्वेस्टमेंट करिए, इधर उधर इन्वेस्टमेंट मत करिए, अपने शुभ भावों का इन्वेस्टमेंट करिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी भावों का इन्वेस्टमेंट करिए। आपको सौभाग्य बुला रहा है, ये बहुत बड़ी स्कीम निकली है झूम के माध्यम से आप लोगों के लिए, मात्र जितने लोग जुड़े हैं उन्हीं के लिए नहीं, जो दूसरे को बताएगा उनके लिए भी एक स्कीम निकली है, इन्वेस्टमेंट स्कीम। कहाँ क्या चीज इन्वेस्टमेंट करना है आपको, इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए कि हमें हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करके किस चीज का हमें इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा विचार कर लीजिए, सोच लीजिए। हम इन्वेस्टमेंट सही जगह करें तो अच्छा है, वरना कई बैंक डूब जाती है। तो बैंक को देख लो, अपनी आत्मा रूपी बैंक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। शुद्ध भावों का इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वो आपको और शुद्ध 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 बनाकर एक दिन तीर्थंकर प्रकृति का फल अवश्य ही देंगे, वो मोक्ष पद आपको अवश्य ही देंगे। तो इन्वेस्टमेंट स्कीम शुरू है आज 28 श्लोक के माध्यम से। अब बची कितनी है, 22 इस और बचे हैं, 22 दिन की आपको अवधि दी जा रही है इन्वेस्टमेंट की। आप अपना इन्वेस्टमेंट अपनी आत्मा में कर सकते हो, अपने भावों का, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप भावों का इन्वेस्टमेंट अपनी आत्मा में करिए। आपको सौभाग्य बुला रहा है, सुबह की झूम के माध्यम से, नई आईडी के माध्यम से आप अपने आत्मा में इन्वेस्टमेंट करने का कार्य अभी से शुरू कर दीजिए। करना कितना है, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 10 अरब, कितना इन्वेस्टमेंट करना है? जितना ज्यादा करोगे उतना ही डबल होके मिलेगा। तो कितने भावों को आपको इन्वेस्टमेंट करके कितना क्या क्या मिलना है, ये आपके इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंड है। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जरूर, आगे हम रिद्धि पढ़ेंगे। हमें ऐसे सर्व सिद्धि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता उसका फ्यूचर भी थोड़ा दुविधा में ही रहता है। इन्वेस्टमेंट कर लेता है तो निश्चित हो जाता है कि मेरी वो 50 लाख की एफडी 7 साल बाद डबल होके आने वाली है, 1 करोड़ हो जाएंगी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस इन्वेस्टमेंट आपको करना है जो डबल 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 होके मिलेगा, और 6% का कमीशन उनको भी दिया जाएगा जो इस इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें उत्साहित करेंगे, आईडी भेजेंगे, तो 6% उसमें कमीशन उसको भी मिलने वाला है। सोच लीजिए, 6% का कमीशन है उसकी। आगे चलेंगे रिद्धि की ओर। ओम नीम रमण नमो महातवाणम झों झों नमः स्वाहा। सभी इष्ट कार्यों की सिद्धि करने के लिए हमने इस मंत्र को देखा। अब महातवाणम बात हमारी तप की चल रही है, शोला कारण भावना में बिना तप तपाए कुछ होने वाला नहीं है। तो वो तप जो है जिसे महातवाणम कहा गया है, मासोपवास के धारी, ओम यानी पंच परमेष्ठी, भीम यानी 24 तीर्थंकर, अरहम जो अहंकार को नष्ट कर दे ऐसे अरिहंत भगवान, नमो यानी नमस्कार, महातवाणम तत्तवाणम दित्त तवाणम, हम सब देख रहे हैं जो मासों को उपवास करते हैं, क्या करते हैं,
मासों उपवास महीने महीने तक जो उपवास करते हैं ऐसे रिद्धिधारी जिनों को यह नमस्कार किया गया है, ऐसे को महान तप को मासों उपवास कहते हैं। जिनके होता है ऐसे महा तप रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार करते हैं और आगे हम आप बीजाक्षर की जाप लेंगे। आज बहुत अच्छी बात थी ये दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी की, सर्व सिद्धि की, संपत्ति सौख्य की, धीरे धीरे हम कैसे नष्ट कर अपने आप में अपने अंदर सम्यक का इन्वेस्टमेंट कैसा कर सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं, अब हमारे बीजाक्षर की ओर चलेंगे। काफी फोन आ रहे हैं, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपने से होके अभी आप जोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है। खुद होके अपने सब रिश्तेदारों को टाइम निकाल के, सुबह से कंटिन्यू दोनों फोन बजते ही रहते हैं। आप लोग कंटिन्यू दो चार दिन चलेगा ये, फिर सब लोग इसके भी हैबिचुअल हो जाएंगे। आईडी जरूर से भेजेंगे सभी लोग, तो 6% कमीशन अपने खाते में लेंगे। बीजाक्षर आज का हम बीजाक्षर इष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए करेंगे, इष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए। अरहम का जाप करेंगे जो अहंकार को नष्ट करेगा और हमें इष्ट कार्यों की सिद्धि करवाएगा। चलिए अरहम का जाप करेंगे। येलो कलर की माला ले लीजिए या रेड कलर ले लीजिए। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चैत्राय नमो नमः। अरहम 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 अरहम
अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चैत्राय नमो नमः। हमने आम विराक्षर जो अहंकार को नष्ट करेंगे तो हमारे इष्ट कार्यों की सिद्धि होगी, आराम बीजाक्षर की माला हमने की। अब हम प्रतिक्रमण करेंगे, चलते हैं हम प्रतिक्रमण की ओर। दोनों हाथ हृदय कमल पर, हे देवाधिदेव, हे आदिनाथ भगवान, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा, कृतकारी तदुमोदना द्वारा, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, असाधना हुई हो, मुझे क्षमा करें तथा एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, उनका दिल दुखा हो, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करें भगवान, मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार आदि के माध्यम से मेरे व्रतों में यदि दोष लगे हो तो वो मिथ्या हो, मिथ्या हो प्रभु, मिथ्या हो। आज का नया दिवस, नए अनुष्ठान के साथ आपने हमको दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं प्रभु, कोटि कोटि नमन। आज के अनुष्ठान में मेरे से तथा मेरे किसी भी पार्टिसिपेंट से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, काणा मात्रा अक्षर आदि की, स्वर व्यंजन बोलने में, सुनने में, सुनाने में, करने में, कराने में, किसी भी क्रिया में दोष लगे हो तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थो हम,
सुरक्षितो ओम नमः आरोग्यो हम परम शास्त्र स्वरूपो हम सोहम 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 सहजोहम सरलोहम सुखोहम आनंदोहम ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम सुखम ओम शांति बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। आज के अनुष्ठान की जय। आज समय काफी हो गया ये आईडी की वजह से, तो आज हम एंड कर रहे हैं सेशन को यहीं पे, समय काफी हो गया। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। कल सुनेंगे हम सबको, ये आईडी भी थोड़ी ठीक हो जाए, समय से सब हो जाए, फोन भी बहुत आ रहे हैं लोगों के। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आईडी सभी लोग भेजने की कोशिश जरूर करिए एक दूसरे को।